और कब के पिछड़े, कब के पिछड़े, कब के पिछड़े हुए हम आज यहाँ आए, कब के पिछड़े। तो उसी हवेली के अंदर, सीबीआई की पत्नी को, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा, जाओ यही ऐलान कर दो, कौन कह दे जाए, ऐलान तू करेगा, क्या दिमाग खराब है क्या रे, पैसा तू लेगा ऐलान कौन तेरा बाप करेगा क्या, पैसा तू लेगा ऐलान क्या तेरा बाप करेगा, तमाचा मारेंगे, तमाचा मारेंगे। अरे ये क्या तुझको हो गया रे, अरे हम कहते ऐलान करो जाकर के, तुम साले बराबर बदजुबानी कर रहे हो, ऐलान करो जाकर तुम साले बराबर जुबानी कर रहे हो, हम 50 जूता मारेंगे, 50 जूता मारेंगे, तुम हमारे जूते मारोगे, और ज्यादा मूड खराब हुआ था उठाकर हंटर खाल खींच देंगे, तुम हमारी खाल खींचोगे, अब अगर खींच दिया तो, खींचो अपने बाप के हो, खींचो अपने बाप के हो, ले क्या तेरा दिमाग खराब हो गया क्या रे? हम तुम्हारी खाल उधेर देंगे भी, नहीं मानोगे, ये नहीं कहना है, नहीं मानोगे, उसी जाओगे, उसी तो अच्छा। साले ये नहीं कहना है रे, साले ये नहीं कहना है, ये क्या कर रहे हो रे, हम तुम्हारी मई, ये नहीं कहना है रे, अरे पहले मेरी बात समझ ले रे, नहीं मानोगे, नंबर एक, और नंबर, उंगली लगाने से बच जाओगे क्या, मरी तो उंगली मरी नहीं, उंगली लगाने से बच जाओगे क्या, क्या कर रहे हो, यहाँ गलत कर रहे हो, क्या हो रहा, यहाँ गलत कर रहे हो, तमंचा कहने दे रहा, तो समय बात है पूरी हुई गई, यहाँ गलत कह दी हो, तो तमंचा तुमको दे दे तुम बराबरी करोगे, तुम्हें तो कह रहे हो जो कही वह कहे, साले उल्लू के पट्टे, ये हमने नहीं कहा था, कह रहा हूँ, हमने कहा था पहले हमारी बात समझ ले, हमारे कहने के बाद कहना है, और का पहले संघ डाटे लगे हो, वहां हम कह रहे कोई गलती नहीं कह रहे हैं, और तब हमारी गर्म आ रहे हैं, और हम भी ये सोच रहे थे ये हमारा नौकर कभी हमारी बात का उल्लंघन नहीं करता, भाई मालिक बात हम कैसे उल्लंघन कर रहे, और बराबर हंटर चला रहे हो, अगर हम तमाचा मारते तो हम आई झापड़ मार देते, अगर हम जूता मार देते तो हम दो मरते भाप भर दे, हंटर लाओ, अब उठाओ अपना ये तुड़बुड़ी, साले बराबर धड़ाधड़ मार रहे हो, हम कहे काहे के लिए ये साला नौकर हमें मार रहा, तो का तुमने कहा की बात, और कब संघ कही है साले, हम संघ डांटे लागे, साला बराबर साले दो हंटर में हमारी खाल निकाल दियो, भाई हम कही जा रहे कोई गलती नहीं हुई, तब हम गरमाए रहे, क्या साले दांव रखे थे पहले से तुमको मारेंगे सोच लिया था, यो दांव नहीं तुम्हारे कहा करी रहा, अब हमारी बात पहले गौर करके सुन लो, जिला चित्तौड़गढ़ सूबा राजस्थान ग्राम शांति नगर के लोगों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि सीबीआई अफसर की पत्नी मीना इस वक्त जमींदार अजगर और अभय सिंह के कब्जे में है, उनकी तरफ से ऐलान किया जाता है कल सुबह 7 बजे तक अगर सीबीआई जमींदार की हवेली ना पहुंचा तो उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। 1, 2, 3 ऐसे कह दो, कौन कह दे, तुम पैसा तुम लोगे ऐलान करो तुम्हारा बाप करेगा, पैसा पिटाई की ले भी कहा क्यों ले भी नहीं, तो पिटाई के अलग लोगे कहाई के अलग लोगे, पिटाई के अलग कहाई के अलग दो नहीं ले, कहाई के कितने लोगे, कहाई की ले बाह 68, ये कौन सी भाषा है, क्या बिल्कुल नहीं मद्रासी है का, 68 68 कौन भाषा रे, 2 कम 70 तो कहा 68 साल है तुम, तो 68 बता रहे हो, तो 68 कहने के मतलब कहाई के पड़ेंगे, हाँ। और पिटाई क्या कितने लोगे, पिटाई में देखो मेहनत पड़ते, मेहनत का तो काम है का मालूम, पसीना हुआ जाए,
बिल्कुल राइट, मसू खान इसका कहना बिल्कुल सही है। और पिटाई में सांसों फूल नहीं जा सकते, पिटाई के लिए बा बहाने में यो साला का नागालैंड आये हो का बहान बे, ये कौन सी संस्कृत भाषा है? नब्बे दो तो कहा बानबे साले, हाँ बानबे नहीं बानबे, तो इसका मतलब कुल मिलाकर 160 चाहिए तुमको। 160 रुपए देंगे, हाँ। और ये ऐलान हर गली हर चौराहे पर हो जाना चाहिए, ये फिक्र न करो, ये ऐलान करके बहुत जल्दी हमें ले आओ, हमें वरना तुम्हारे जिस्म की खाल को एकदम हम ऐलान करके बहुत जल्दी आओ तुम जाओ। गयो तोरी अब भांस भर रहे पॉइंट तनु को औसार तमंता ना देखावत, अब है नी के बेरा, अब है नी का हगाय मुताई सब मरते, तुम जान तुम पॉइंट ही अदे बिहान उदाद बसा रहने के नहीं, अब इनी का हने के लेते अब ये चले गए, अब पहले कुछ गाय बजाई ली देखियो नहीं सर, मर कहा बहुत है बाबा, एक बात तुम्हें बताई दी, देखे रहे हो सारा वही सारा कह दी हो, ऐसा वही हन कह दी हो फिर, अरे मोरे रामा कोने मा बैठी मु सरिया मु सौन को सामू जावई मु सौन को सामू जावई पूरा बताओ, तुम तो हाँ बता रहे हो पूरा चला जाएगी, हाँ प्यार दोस्तों आप लोगों को सोचाया जाता है, सोचाया ना कि जो हगाया जा रहा, आप लोगों को सूचित किया जाता है काहे का ऐलान हो रहा, क्या हमने कहा था, हमने क्या कहा था बताओ, हमने जब जब तुम चली गई हो, हम चली गई या हम चले गए, चले गए फिर क्या हुआ, चले हमारे घर से फोन आएगा, काहे का फोन आ गया, हमारे घर से फोन आएगा कि हमारे घर में पोती के रे पतोह भाई है, पोती के पतोह या पतोह के पोती का जन्म हुआ साले, तो वैसा ही हुई, फिर क्या हुआ, तो हम कहें तुम दिहाओ तो हो ही नहीं, क्या नहीं देंगे छुट्टी, छुट्टी इस वक्त किसी को नहीं मिल सकती जब तक मैं अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले सकता, हम कहें ना हो ही खुशी मनाई ले, अच्छा अच्छा तो ये सरिया यहाँ पर गा रहे थे, सरिया और हमारी बात को भूल गए साले, हमने क्या कहा था, इस रियासत में ऐलान करके बहुत जल्दी हमें ले आओ, क्योंकि दुश्मन को ज्यादा देर जिंदा रखना अच्छी बात, अब जाओ तुम्हारे पर नंबर धर रहे हैं, हमारे पर नंबर धरी हो, तुम्हार हमार पीटोगे नहीं, हमारी बात का ऐलान करोगे, समझ गए, ऐलान जारी करा और बहुत जल्दी ऐलान करके हमें, माने उन्हें बाबा मारे उन्हें ना करवाई दे हो, तुम दे के रानी सारा कह दे हो, बैठे बैठे मरवा रहे हो, भैया इस ऐलान कह दे ना, बाकी सार जो आएगा तो मारी ना घटा दी, हाई सारे हो बहुत गुलाम हो, हाँ प्यार दोस्तों आप लोगों को सूचित किया जाता है,
लोगों को सूचित किया जाता है, जिला चित्तौड़गढ़ सुबह राजस्थान वालों को सूचित किया जाता है। अजगर सिंह और अभय सिंह सीबीआई इंस्पेक्टर विशाल की बीवी को कैद कर रखा है। कल सुबह सात बजे बड़े वाले फाटक पे सीबीआई की बीवी मीना देवी की फांसी होगी। ये दर्द भरा नजारा जिसे देख रहे हो वो आकर के बड़े वाले फाटक पे तशरीफ लाए। ऑफिसर की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और कल सुबह 7 बजे उसकी फांसी होगी। हम नौकर हैं। नौकर है तो हम नौकर हैं। हम नौकर हैं उनके। नहीं दोस्त अर्जुन, हमारे कौन लागो है? ये तो नौकर है। गरीब इंसान अपना पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकता है। बगुला मारे पखना हाथ। नहीं मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तुम यहाँ से जाओगे तो किस बात का ऐलान करते हुए जाओगे? तुम हो बता दो कि ऐलान ये डाकू सरदार आजाद सिंह का ऐलान है कि सीबीआई ऑफिसर की पत्नी मीना की फांसी नहीं है? अगर फांसी होगी तो जमींदार अजगर सिंह उसके बेटे अभय सिंह की होगी। अगर जान की खैरत चाहता है तो चला। इनके मतलब बची बात दो घोड़े देना है। शराब नौकरी का कहीं लेना पूरी शराब। मेरे दोस्त तेरी भाभी को उन हराम जादों ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ। सुबह 7 बजे का ऐलान किया है। हाँ। शायद उसने मुझे चेतावनी दी है कि अगर विशाल श्रीवास्तव इस दुनिया में है तो वो अपनी पत्नी की आवाज सुनकर जरूर आएगा। सच कहा जिन मेरे भाई, अब तो सिर्फ ये 2 दिन की जिंदगी है। मीना अगर इस दुनिया में ना रही तो इस दुनिया से ये तेरा साथी भी मिट जाएगा। नहीं अर्जुन बोलो, और 2 दिन की जिंदगी है। हंसकर कुचा जिंदगी है। लगता है हमारी आवाज जो सीबीआई तक नहीं पहुंची है पापा। नहीं पहुंची है। अब तो ऐलान हमने करवा दिया था, 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। लगता है सीबीआई को हमारी खबर नहीं मिली, अब इसकी पत्नी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन साला वो कौवा भी ऐलान करके नहीं आया। आप लोगों को सूट किया जाता है बड़े वाले फाटक पे अजगर सिंह जी अभय सिंह की 7 बजे फांसी होने वाली। साले हमने क्या कहा था? पूरे नगर में यही तो नहीं बता के आए? हाँ यही तो नहीं कहकर आया, इसीलिए लोगों के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची हो। कहिए न हमने कहा था कि सुबह 7 बजे सीबीआई की पत्नी की फांसी होगी और तुम बता रहे हो अजगर और अभय की फांसी होगी। माली, ये ऐलान किसने कहा था? हम पीटी थी रहन। हाँ तुम्हारी हमारी डुग्गी डुग्गी पीट रहे थे। फिर तले बहू आई गवा। कौन आगा? वह डाकू। कौन साला डाकू इस दुनिया में पैदा हो गया है? डाकू आजाद सिंह। कौन साला आजाद है? हम क्या काम में कौन आजाद? आजाद डाकू ने क्या कहा? वो कहलाग जो यो कही हो। हाँ मीना देवी की फांसी होने वाली तो तुमका बहम मत डारी। तो हम कह खबर फिर बताई कौन? तब कह तुम जाओ कह जाओ जाए मीना देवी फांसी ना हो।
अब फांसी हुई अजगर सिंह की, अब अभय सिंह की। हमारी ऐलान को चले जाओ। पापा लगता है कोई हमारा दुश्मन है जो हमें चुनौती दे रहा है। इस बात में कोई जरूर राज है। इससे पहले वो सारा डाकू आजाद अपनी हमेली को आ जाए, इस मीना देवी को फांसी के तख्ते पर झुला देते हैं। करने का वक्त नहीं है बेटा। जाओ रे उस शाली सिंगिया को लेकर आओ, उस पकड़िया को लेकर के आओ। और सुनो मेरी बात को, फांसी का कक्का तैयार करो और हमारी बात जरा गौर करके। फांसी का कक्का तैयार करो फौरन। और चढ़ा दो दार पर इसको, और चढ़ा लो घड़ी पर इसको। साले कौवा फिर वही भाषा। दार का मतलब नहीं समझते हो, ये जो फांसी का तख्ता है इसे दार भी कहा जाता है। ए पल्ली बैठाओ, ऐसा हलचल मचाए हो। और चढ़ा दो दार पर इसको, खता भारी है इसने। पापा नंबर लगाओ, देखता हूँ कौन शाला यहाँ आता है। जाई हो मर। कौन मर जाई रे? तो नंबर होता है। उरे यो खट 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 का हो रहा, चना भूंज रहे हैं। ये चना भूंजे जाते हैं जगनेटर से, ऐसे होते हैं माँ। हाँ अच्छा, तारे तारा नहीं। पापा नंबर लगाओ, नंबर दो। और नंबर होता है और अब तीन कहना नहीं, और अब तीन कहना नहीं। फलक टाइगर से दब जाएगी उंगलियां, खून तेरे से प्यासी आत्मा ये मेरी रहम लाए ना पिस्तौल। कौन हो भैया? गरीबा में मतलब कपड़ा मांगते हैं, कपड़ा कपड़ा चाहिए। उतार सारे, एक एक सामान ले लो। मार तोर बंद उतारो, कपड़ा खोलो, न्याकर खोलो, कपड़ा उतार दे। अच्छा हाँ, कपड़ा उतार दे, जूता कह के पर उतारी।
अभय सिंह। कौन हो भाई, पहचाना नहीं आजकल? कौन हो भैया आजकल? आग खाल कर देख, तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। हराम चादे मेरी नजर के सामने मेरी प्रेम मीना की इज्जत लूट कर मेरे मुन्ने का कत्ल कर दिया। अरे खोली, अरे पहचान ले वो कायर। अर्जुन अर्जुन मेरे भाई, इस ठाकुर को इतना तड़फाऊंगा कि इसके आओ आओ। अभय सिंह कहां भाग कर जाएगा बेटा? श्रीवास्तव जी, श्री श्री सीबीआई श्री ऑफिसर। सीबीआई दादा माफ कर दो भैया। नहीं माफ कर दो भाई। माफ करना काम तो हत्यारे का होता है। नहीं ठहरो, इनसे बहुत बड़ा हिसाब लेना है। अर्जुन देख, जो तेरे सामने पागल है ये कोई साधारण पागल नहीं, नहीं ये तेरी भाभी मेरी पत्नी मीना है। देख बेचारी का क्या हाल हो गया है। यार का भैया मीना, ए मीना भौजी आओ। लेकिन मेरे भाई चाह, इनकी यादाश्त चली गई है, चाह किसी को पहचानती नहीं है। आप लोग जब एक दिन रहते थे हमेली को चारों तरफ से घेर लो, कोई दुश्मन भाग न पाए। ए मीना आओ ना, और जन्म जन्म का साथ है हमारा होश में आओ मीना, देखो तुम्हारे सामने कौन है। तप तप तेरी निगाहें हमको करे इशारे, तप तप तेरी निगाहें हमको करे इशारे। रूप बदल के फिर से साजन मैंने तुझे पुकारे, जुलम जुलम का साथ।
की तरफ से 20 रुपया कलम बंद इनाम। कहता है कथी का ठोको दू ना सामने, ये वही दरिंदा है जिसने तेरे नजर के सामने तेरे मुन्ने का कत्ल कर दिया था। नहीं स्वामी, तुम्हें देश की गद्दार स्वामी, इन्हें मारो मत, इनसे ये कह दो मेरा मुन्ना वापस कर दे। आजकल औलाद का गम कैसा होता है मैं तुझे बतलाऊं, औलाद का गम कैसा होता है। तेरा बेटा है वो मासूम बच्चा जो अपनी जान की भीख नहीं मांग सका। तड़प साला ठाकुर, तड़प। हमने कहा था कि तेरी नजरों के सामने मैं इसका फन खिंच लूंगा, इसकी लाश फेंको। साले तूने तो मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुझे तड़पने के लिए जिंदा नहीं रखूंगा। अगर तू जिंदा रहा तो ना जाने कितनी बहन और बेटियां बेइज्जत हो जाएगी। आज बर्बाद कर दिया, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। स्वामी अब ये तुम्हारी बदली चिंता नहीं रहेगी। नहीं मीना, अगर गंगा में कोई दरिंदा कीचड़ फेंकते तो कीचड़ फेंकने से गंगा मैली नहीं होती। यदि तू अपनी मर्जी से अपनी लाज को लुटाती तो शायद मेरी नजरों में तू बच्चलन थी। नहीं, तेरी तो असमत की डकैती हुई है, तेरी लाज लिटी गई है। तो मेरी नजरों में आज भी गंगा की तरह पवित्र है। मेरे भाई आज अपने सारे दुश्मन मारे गए, आज हम सब कब के पिछड़े हुए और यहाँ आकर मिल गए। ए मीना स्वामी, और कब के पिछड़े, कब के पिछड़े, कब के पिछड़े।